नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला रात न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन मंडला में विगत 10 दिनों से चल रहा है, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से किन्नर मंडला में एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में किन्नर समाज द्वारा विभिन्न पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। पूजा पाठ में कुछ अनुष्ठान गुप्त रूप से किए गए थे, जिसमें आम जनता को उससे दूर रखा गया। इन अनुष्ठानों के दौरान किन्नर समाज द्वारा देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों की खुशी सुख समृद्धि की कामना की गई और आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में किन्नर शामिल हुए। आज कार्यक्रम की विदाई की बेला में किन्नर समाज मंडला स्थित आवास पर सभी किन्नरों का आगमन हुआ। वहां पर उन्होंने घर पर वंदनवार लगाए, साथ ही हल्दी और मेहंदी की रस्म भी निभाई गई, जिसमें उपस्थित सभी किन्नरों ने नाच गाना किया। जय श्री महाकाल, जय सिया राम। मैं राजस्थान कोटा से हूँ, ज्योति नायक जी की चेला और राजस्थान से आई हूँ। अभी आपके समाज का जो सम्मेलन हुआ, इसमें कितने लोग आए हैं? अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें पूरा ऑल इंडिया के आए थे, जैसे दिल्ली के हो गए, हैदराबाद के हो गए और अमरावती, अकोला, राजस्थान, एमपी, मालवा के जितने भी थे ऑल इंडिया के किन्नर आए। आज कार्यक्रम के समापन में क्या किस तरह की पूजा पाठ है? समापन तो कल होगा हमारा, है ना, और आज आज का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हम ये जितने हम सारे बैठे हैं, ये सब हम मंडला की बहन बेटियां हैं। हमारे तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आपस में हम एक दूसरे से रिश्ते मना लेते हैं, जैसे कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, लेकिन हम जब सम्मेलन में मिलते हैं तो हमारे रिश्ते बन जाते हैं। हम किसी की बेटियाँ बन जाती है, किसी की बहने बन जाती है, तो ये हमारा यहाँ की हम बहन बेटियाँ हैं मंडला की। तो हम यहाँ मंडला आए हुए हैं, जैसे हर जगह पे बहन बेटियां होती है, जो बांदरवाड़ बांधती है, घर के जो रस्में होती है वो करी जाती है, तो हम यहाँ पे बांदरवाड़ बांधने के लिए आए हैं। इस समय यदि अपने समुदाय की बात की जाए तो कुल कितने किन्नर हैं इंडिया लेवल में? अब इतना तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक बात जयपुर के, हमारे जयपुर में जो राजस्थान के इसमें आया हुआ था, जो हमारे पेपर में आया था, तो करीबन 3 लाख कुछ हमारे राजस्थान की ऐसे काउंटिंग आई हुई थी सर्वे होने के बाद, बाकी ऑल इंडिया का तो इतना नॉलेज नहीं। जब से आपको थर्ड जेंडर का दर्जा मिला हुआ है, एक मान्यता मिल गई मेल फीमेल थर्ड जेंडर, उसके बाद से आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया? देखो, लाइफ में परिवर्तन तो क्या है, बस इतना है कि हाँ, सारे समाज वाले इज्जत भी देने लगे हैं, और आजकल तो नई जनरेशन है पढ़ी लिखी, तो सबको पता है, तो सब अपने हिसाब से अच्छे से ही रहते हैं। और थर्ड जेंडर का जो ये आया है, उसके बाद से हमारी आईडी वगैरह भी बनने में सरकार ने हमारी मदद करी है, और सरकार के कई जो ये होती है स्कीम में उसका लाभ भी मिलता है हमें। बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई की कितनी मान्यता इस संप्रदाय में फैल चुकी है, और पढ़े लिखे लोगों ने यदि बात की तो कहाँ तक पढ़े लिखे लोग? देखो, हमारे जनरेशन में पढ़े लिखे तो काफी है, है ना, आपने देख ही रखा होगा, कई जने हैं, कई डॉक्टर भी है, कई वकील भी है। बस ये होता है कि एक सपोर्ट होना चाहिए, एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और आजकल सरकार का भी सपोर्ट होने लगा है। और आजकल का जनरेशन तो ऐसा है कि जब फैमिली में अगर कोई इंसान हमारी तरह होता है, अगर फैमिली उसे सपोर्ट करती है, तो ना जाने हमारे समाज के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई है, वो ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड में फेमस है, हर जगह जाती है, कि उनको एक घर का सपोर्ट था, तो वो घर के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन भी पूरा करा है, और आज हमारे समाज का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। मंडला तो देखो, सारे मंडला के मेरे वासी हैं, उनको तो बस मैं तो कहूँ माता रानी उन्हें हमेशा खुश रखे। हम यहाँ पर आए, हमें मंडला के वासियों ने बहुत इज्जत दी और बहुत प्यार दिया। मंडला के वासियों ने जो हमारे फुल ये निकली थी कलश यात्रा, उसमें भी मंडला के वासियों ने बहुत सहयोग करा और खूब हमारा स्वागत करा। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मंडला के वासी खूब फलो फूलो, माता रानी उन्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजर से, बुरी बलाए से, हर परेशानियों से बचाए, और उनकी खूब उन्नति करे।